सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे नगर की प्रमुख खबरों पर। देवर की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला बच्चों सहित पहुंची एसपी कार्यालय। न्याय को गुहार लगाते हुए कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो यहीं पर करूंगी आत्मदाह। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी प्राप्त कर न्यायोचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन, तब जाकर महिला का आक्रोश हुआ शांत। कांग्रेस वार्ड में कार्य नहीं होने से नाराज कांग्रेसी नेताओं द्वारा महापौर से मुलाकात करने के दौरान महापौर द्वारा प्रदेश शासन के पास पैसा नहीं होने से विकास कार्य अवरुद्ध होने की बात को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष ने लिया महापौर का आड़े हाथों। कहा, जहां इनका मतलब हल होता है वहां पर उपलब्ध हो जाता है पैसा। उत्तर प्रदेश में की गई धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी को लेकर रतलाम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, कठोर कार्रवाई करने की मांग। रतलाम पिपलोदा क्षेत्र की एक महिला अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर बच्चों को साथ लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने अपने ससुर और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला पुलिस कर्मियों से लेकर महिला थाना टीआई ने उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी और एसपी से मिलने के लिए अड़ी रही। करीब आधे घंटे तक घटनाक्रम चला। एसपी से मुलाकात के बाद महिला थाने ने देवर के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। जानकारी अनुसार पिपलोदा निवासी पिंकी नागर अपने बेटे और बेटी के साथ शाम 5 बजे एसपी ऑफिस पहुंची। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी। निजी कॉलेज की शिक्षिका और कोचिंग चलाने वाली पिंकी ने बताया कि मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आई हूं। मैं अपने ससुर बसंती लाल नागर और देवर संजय नागर से परेशान हूं। मुझे मेरे पति नरेंद्र नागर के निधन के बाद से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मेरे ससुर एसआई है, वह कोर्ट में है। उनका कहना है कि मैं 2 मैस्टार हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चों को पैतृक संपत्ति में से हिस्सा देने के बजाय मेरे देवर के नाम कर दी व उसकी रजिस्ट्री भी देवर के नाम करवा दी। मुझे घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि एफआईआर नहीं की और न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं पेट्रोल साथ लेकर आई हूँ। ससुर देवर अब शब्द भी कहते हैं। कोचिंग का बैनर निकाल दिया, पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया। देवर द्वारा परेशान कर देना। आज भी मेरे देवर ने आके, मैं अंदर ही थी, बच्चे स्कूल गए थे और मेरे बेंचेस लगी हुई थी पास वाली चौक में, जबकि मेरे ससुर जी ने बोला था कि तुम यहाँ पे पढ़ाना बच्चे। तो पहले भी एक बार अंदर से बेंच भी निकाल के बाहर फेंक दिया। आज बाहर पड़ी थी, मेरा बैनर पूरा हटा दिया और सब बाहर निकाल के फेंक दिया। मेरे स्टूडेंट भी थे उस टाइम पे। कहाँ की घटना है ये? पिपलोदा की। करी ना बहुत सी बार करी, मैं सब दूर मिल रही हूँ लेकिन मेरी सुनवाई आज तक किसी ने नहीं करी है। आज एसडीओपी साहब के सामने भी मैं अपने बयान दे के आई थी। सर ने भी बोला था समझौता कर लो, समझौता कर लो। सर के सामने वो हाँ करते थे, हाँ समझौता करेंगे, और नेक्स्ट दिन जाके ही वो पलट जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अगर मेरे को आज न्याय नहीं मिला, अगर मुझे एफआईआर और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मेरे बच्चों के साथ सुसाइड कर लूँगी यहाँ पे। और मैं पेट्रोल साथ में लेके आई हूँ और चिटक के भी आई हूँ। एसपी अमित कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद है, एफआईआर कर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया। महिला आई थी पीड़िता जी, उनके पति की जो है 3-4 साल जो है उनका निधन हो गया था। उसके उपरांत जो ससुर है वो पुलिस विभाग में पदस्थ हैं और अभी रतलाम जिले में संबद्ध है। तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी है, साथ ही साथ जो है मारपीट, पारिवारिक मारपीट को लेकर भी शिकायतें करेंगी। प्रकरण को जो है संज्ञान लिया गया है और डीएसपी, डब्ल्यूएसपी और महिला थाना प्रभारी ने देखी क्या है कि चुका है। कहने को तो रतलाम में 3 इंजन वाली सरकार के नुमाइंदे हैं जो सत्ता में आने से पूर्व बढ़ चढ़कर रतलाम शहर के विकास के दावों की बात कर रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों इंजन की सरकार की माली हालत इतनी खस्ता है कि नगर सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लिए नगर निगम प्रमुख की सांसें फूल रही है। उक्त बात का खुलासा तब हुआ जब निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया एवं कांग्रेसी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर से मुलाकात करते हुए कांग्रेसी वार्डों में काम नहीं होने की बात कहते हुए निगम आयुक्त की शिकायत की थी। तब महापौर स्वयं ने कहा कि नगर निगम के पास विकास कार्य करवाने के लिए पैसा ही नहीं है। निगम आयुक्त ने कुछ भी गलत नहीं कहा क्योंकि जब निगम के पास पैसा नहीं है तो हम ठेकेदार को कहां से देंगे, और ठेकेदार को नहीं देंगे तो विकास कार्य कैसे होगा। तो
योजना अपने अपने यहाँ से पैसा उगाया और 40 साल से जिस मार्ग में रोड नहीं बनी थी उनकी रोड बनाई भी है, प्रदेश में भी है ना, दिल्ली में भी बैठे हुए, तो आप लोग व्यवस्था करेंगे अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है तो। हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि महापौर प्रहलाद पटेल चतुर चालाक एवं कुशल राजनीतिक नहीं है। यही वजह है कि वह हर बात स्पष्ट और सीधे तरीके से कह देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने निगम की माली हालत का बखान कर दिया। उक्त बात को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने निगम महापौर के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रतलाम शहर के लोगों को इन्होंने सब्ज बाग दिखाकर जीत हासिल की और अब जब विकास की बात आ रही है तो यह पैसा नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि हालत यह है कि जहां कमीशन खोरी होती है और अपना मतलब हल करने का काम होता है तो पैसा खर्च करने के लिए आ जाता है। निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया द्वारा उनके पिछले कार्यकाल में शहर की जो अवैध अविकसित गलियां थी जिसके अंदर लोग विकास राशि जमा कराने के इच्छुक थे, उसके बावजूद भी एक हठधर्मिता करते हुए उन्होंने खाली पब्लिक में फर्जी वाहवाही लूटने के लिए नगर निगम के द्वारा अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए, जबकि विधायक का दायित्व था कि जो अवैध कॉलोनी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी अवैध कॉलोनियों के लिए हम फंड देंगे, परंतु वो फंड न देते हुए नगर निगम के अंदर जो राशि थी वो राशि सब अवैध कॉलोनियों में लगवा दी। एक नगर निगम ने कॉलोनी भी काटी है और उस कॉलोनी का भी पूरा फंड उसी अवैध कॉलोनियों में लगवा दिया गया। आज ये स्थिति हो गई है कि नगर निगम पूरी खाली हो गई है। जो लोग विकास राशि जमा कर रहे हैं, जो संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, जल कर जमा कर रहे हैं, उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम उपलब्ध नहीं करा पा रही है, महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने उनके खून पसीने का पैसा आपके जमा कराया और आपने उन अवैध कॉलोनियों में लगा दिया जहां आपको जरूरत नहीं थी। अगर आपको जरूरत जमा डेवलपमेंट करना था तो आप प्रदेश सरकार से पैसे लाने थे, परंतु आज यहाँ का विधायक मंत्री भी बन गए उसके बाद भी वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज नगर निगम की स्थिति हो गई है कि इस माह कर्मचारियों को भी पेमेंट के लाले पड़ रहे हैं। आज बहुत स्थिति विकट बनी हुई है। वैसे तो कोई भी कार्य करने के लिए शासन ने कई नियम बना रखे हैं, वहीं मीट की दुकान संचालित करने के लिए भी शासन ने कई प्रकार के आदेश और निर्देश जारी कर रखे हैं कि कहां पर और किस तरह से मीट विक्रय किया जा सकता है। लेकिन रतलाम शहर में अधिकांश जगहों के यह हाल है कि जिसकी जहां मर्जी आती वहां पर बचूड़ खाना खोलकर बैठ जाते हैं और मीट विक्रय करने लगते हैं। साया चबूतरा क्षेत्र में शासन के नियमों को ताक में रखते हुए रवासी इलाके एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में मीट की दुकान संचालित की जा रही थी। उक्त मीट की दुकान के विरोध में कई लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान को जिम्मेदार अधिकारियों के निर्देश पर दुकान को सील किया गया। चलिए तो चलें ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रतलाम का पहला स्तन रोग क्लिनिक, यहाँ हर प्रकार के स्तन के रोग का इलाज होता है, जैसे स्तन गांठ की बायोप्सी, ऑपरेशन के बाद क्या एक्सरसाइज की जाए ये भी सिखाया जाता है। रतलाम में एकमात्र स्थान जहाँ महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे मेमोग्राफी की जाती है। WHO द्वारा जारी सूचना में बताया है कि 40 वर्ष के बाद हर महिला को साल में एक बार स्तन के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मेमोग्राफी करवाना चाहिए। WHO NCCN के दिशा निर्देशानुसार इलाज होता है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मान्य, कीमोथेरेपी द्वारा इलाज की सुविधा। महिला स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर स्मिता शर्मा, पूर्व कार्यरत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई द्वारा परामर्श। स्तन कैंसर के मरीज में स्तन बचाकर ऑपरेशन भी हो सकता है। जल्द से जल्द स्टेज 1 में पता लगने पर 90 से ज्यादा मरीज की जान बचाई जा सकती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा की गई धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में स्टेशन रोड थाना पहुंचकर मंच के पदाधिकारी सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा धर्म विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी का असर रतलाम शहर में भी देखने को मिला। यहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम स्टेशन रोड थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि एक व्यक्ति द्वारा जिस तरह से धर्म विशेष के खिलाफ
टिप्पणी की गई उससे समस्त समाज में आक्रोश और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि पूरे भारत वर्ष में एक मिसाल बन सके। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सह संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया, और जो गलत बयानबाजी को लेकर के उनका वीडियो आया है उसकी हमने मजम्मत की है, उसकी हम कड़ी निंदा और घोर निंदा करते हैं और उसी का विरोध स्वरूप उनको हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश संयोजक के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में और देश में इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हो जो देश में मिसाल बने, दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके गलत बात करना जिससे किसी समाज की भावनाएं आहत। शहर के आस्था स्थल श्री कालिका माता मंदिर परिसर में ब्रह्म मुहूर्त में ही माता रानी के साधकों द्वारा आराधना करने का दौर शुरू हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में माता बहनों द्वारा माता रानी की आराधना करते हुए गर्भारास किया गया। वैसे तो माता रानी की आराधना के लिए हर दिन श्रेष्ठ होता है, लेकिन नवरात्रि में माता रानी के साधकों द्वारा माँ की विशेष आराधना करते हुए मनवांछित फल प्राप्त करने के साथ ही परिवार के लिए मंगल कामना की जाती है। शहर के आस्था स्थल श्री कालिका माता मंदिर परिसर में माता रानी की साधिकाओं द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में ही माता रानी की आराधना शुरू कर देती है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माता बहनों द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है। गर्भारास पश्चात माता रानी की महाआरती करने के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। देवर की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला बच्चों सहित पहुंची SP कार्यालय। न्याय को गुहार लगाते हुए कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो यहीं पर करूंगी आत्मदाह। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी प्राप्त कर न्यायोचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन, तब जाकर महिला का आक्रोश हुआ शांत। कांग्रेस वार्ड में कार्य नहीं होने से नाराज कांग्रेसी नेताओं द्वारा महापौर से मुलाकात करने के दौरान महापौर द्वारा प्रदेश शासन के पास पैसा नहीं होने से विकास कार्य अवरुद्ध होने की बात को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष ने लिया महापौर का आड़े हाथों। कहा, जहां इनका मतलब हल होता है वहां पर उपलब्ध हो जाता है पैसा। उत्तर प्रदेश में की गई धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी को लेकर रतलाम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, कठोर कार्रवाई करने की मांग।